दोस्तों, जब भी कभी महंगी लकड़ियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले लोगों के जहन में लाल सोने का नाम घूमने लगता है। दरअसल ये सोना कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन है। जी हाँ, वही लाल चंदन जिसे बतौर स्टार अल्लू अर्जुन ने पुष्पा मूवी में स्मगल करके करोड़ों की कमाई कर डाली। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाल चंदन दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी के सामने तो लाल चंदन भी कौड़ियों के भाव बिकता है। वेल, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में मौजूद कुछ ऐसी बेशकीमती लकड़ियों के बारे में बताएंगे जिनके दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी यानी अफ्रीकन ब्लैकवुड की, जिसकी कीमत के आगे चंदन का रंग भी फीका पड़ जाता है। इसके सिर्फ 1 किलोग्राम की कीमत 8,000 पाउंड यानी 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। या फिर यूं कहें कि इसका महज 1 किलोग्राम आपको रातों रात लखपति बना सकता है। ये इसकी कीमत ही है जो इसे धरती की सबसे दुर्लभ चीज बनाती है, जिसे अपना बनाना टूटे हुए तारे को देखे जाने जितना मुश्किल है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना यूनिक बनाता है। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, हमारी धरती पर जो चीज बड़ी मशक्कत से मिलती है उसकी कीमत ऑटोमेटिक दुगनी हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हाल इस लकड़ी का भी है। एक तो ये पनपती कुछ गिने चुने देशों में, ऊपर से इस पर बेइंतहा तस्करी की मार, जिसके चलते इसका बोलबाला दुनिया के कोने कोने तक है और इसे पाने के लिए न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अपने नाम की तरह ये लकड़ी ज्यादातर अफ्रीकी देशों में पाई जाती है, जैसे कि अंगोला, माली, सेनेगल, तंजानिया, नामीबिया, मोजाम्बिक और कीनिया। दोस्तों, अफ्रीकन ब्लैकवुड की सबसे बड़ी खासियत इसके रंग को लेकर की जाती है, जिसकी बाहरी छाल भूरी और अंदरूनी एकदम काली होती है। वहीं देश और दुनिया के कुछ हिस्सों में अलग थलग वातावरण के चलते इसके रंग में बदलाव देखा गया है। देखने में लकड़ी बाकी अन्य पेड़ों की तरह दिखती है, लेकिन इसका असली झोल तो इसे काटने के बाद ही पता चलता है कि एक काले रंग वाली लकड़ी आखिर कितनी बेशकीमती है। तो वैसे तो सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर यह बिकती है, मगर ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत आसमान छू लेती है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी औसतन लंबाई 4 से 15 मीटर तक होती है, और इसे ठीक से तैयार होने में तकरीबन 60 से 70 साल का वक्त लग जाता है। मगर अफसोस, मोटी रकम कमाने के लालच में तस्कर इन्हें समय से पहले ही काट देते हैं, जिससे इनकी संख्या में भारी गिरावट आ गई है और प्रकृति का यह अनमोल रत्न ना चाहकर भी विलुप्त होने की कगार पर है। मंजर कुछ ऐसा है कि अब ये लकड़ी IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट की श्रेणी में शामिल हो गई है, जो कि इसके विलुप्त होने का अहम कारण है। वैसे दोस्तों, इसका एक और कारण अफ्रीकी मुल्क की सरकारें भी हैं, जो अफ्रीकन ब्लैकवुड को सरकारी संपत्ति समझकर अपना हक जताती हैं और कुछ चुनिंदा किसानों को ही इसे उगाने का मौका देती हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, एक तो आर्थिक मंदी से जूझ रहा गरीब देश, ऊपर से सरकार द्वारा इस पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शन से आखिर यहाँ के लोग अपना भूखा पेट भरने के लिए इसकी तस्करी ना करें तो क्या करें। और तरफ है, अब इन पेड़ों को बचाने के लिए दुनिया भर के संगठन एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि जो पेड़ 60 साल में तैयार होते हैं वो वैसे ही दुर्लभ होते हैं, और अगर ऐसी हालत रही तो बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं जब अफ्रीकन ब्लैकवुड का वजूद पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको भारत में इसका पेड़ भले ही ना मिले, मगर इससे बने मजबूत फर्नीचर आपको किसी अच्छे शोरूम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। इसके अलावा इन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा गिटार और शहनाई जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है, जिनकी क्वालिटी के चलते इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में ऊंचे ऊंचे दामों में बेचा जाता है। आपको बता दें कि इनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी ब्लैकवुड की सबसे ज्यादा डिमांड यूरोपीय देशों में है, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और बेचे जाते हैं। और अब अगर आप भी संगीत के शौकीन हैं तो हमारी माने इस लकड़ी के बने इंस्ट्रूमेंट्स को जरूर ट्राई करें, जो आपका साथ सालों साल तक नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी की कहानी। अब आपको एक ऐसी देवी लकड़ी से रूबरू करवाते हैं जिसकी सुगंध देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर देती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्विलारिया के पेड़ों से मिलने वाली सुप्रसिद्ध अगरवुड या फिर ईगलवुड की। चीन, जापान जैसे साउथ एशियन देशों में पाई जाने वाली यह बेशकीमती लकड़ी दरअसल एक सुगंधित लकड़ी होती है, जिसका इस्तेमाल अगरबत्ती, इत्र आदि जैसी तमाम सुगंधित सामग्रियों को बनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इसकी धूप की सुगंध की बराबरी दुनिया का कोई सेंट नहीं कर सकता। इसका जरा सा धुआं एक बंद कमरे को भी 5 से 6 घंटे तक महका सकता है। यहाँ तक कि कुछ मिडिल ईस्ट देशों में तो इसे ईश्वरीय स्मरण के दौरान बतौर अगरबत्ती यूज किया जाता है। उनका मानना है कि अगरवुड की सुगंध देवी देवताओं का भी मन मोह लेती है,
इसीलिए इसे देवी लकड़ी यानी कि वुड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। अगरवुड की लकड़ी की तरह इससे निकाले गए तेल यानी कि ओड ऑयल की भी ग्लोबल मार्केट में उम्दा डिमांड है, जिसकी कीमत 50 से 80 हजार डॉलर्स प्रति लीटर होती है और इसी वजह से व्यापारी जगत में इसे लिक्विड गोल्ड का भी नाम दिया गया है। इसी के साथ पश्चिमी देशों में भी इसकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स इससे बने सेंट और परफ्यूम को बेचकर अरबों का मुनाफा कमा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगरवुड कोई पेड़ नहीं है बल्कि एक्वालेरिया मेलासेंसी नामक एक पेड़ में होने वाली खास तरह की प्रक्रिया के बाद तैयार होने वाला सड़ी गली लकड़ियों का बुरादा है। इसे कुछ यूं समझिए जैसे जब इस पेड़ का अंदरूनी हिस्सा बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े मकोड़े और चिट्टियों की लार से सड़कर खराब हो जाता है, तो इसमें फाइलोफोरा पैरासिटिका प्रोसेस स्टार्ट होता है ताकि ये पेड़ खुद के जख्मों को भर सके। और सालों साल चलने वाली इस प्रक्रिया में पेड़ के भीतर का हिस्सा अगरवुड में बदल जाता है और जिसे बड़ी बारीकी से खोजकर गहरे रंग वाले अगरवुड के हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों, अगरवुड को कभी बोया नहीं जा सकता है और ना ही काटा, क्योंकि ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस से उत्पन्न होने वाली लकड़ी है। बस कुछ किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक्वालेरिया के पेड़ में अगरवुड लगने का इंतजार। एक्वालेरिया की लकड़ी खास तौर पर ईस्ट एशिया के घने जंगलों में पाई जाती है जिनसे ये बेशकीमती अगरवुड लकड़ियां मिलती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में कुल 15 देशों में इसकी 26 अलग अलग प्रजातियां होने के बावजूद भी ये पेड़ आज विलुप्ति की कगार पर हैं और इसकी संख्या पिछले 150 सालों में 80% तक कम हो चुकी है। बाकी बचे 20% में से नाम मात्र फंगल इन्फेक्शन होने का दावा किया जाता है। इन दुर्लभ पेड़ों के अति दुर्लभ होने का कारण इसके समय से पहले की गई कटाई और धड़ल्ले से हो रही तस्करी भी है, जिससे आलम यह आ गया है कि अब तो एक्वालेरिया की कुछ ही गिनी चुनी नस्लें जिंदा बची हैं, जिन्हें जंगल में ढूंढना अब और भी मुश्किल हो गया है। इस दुर्लभ पेड़ पर मंडरा रहे खतरे के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे बचाने का बीड़ा उठाया है, जिनमें एशियन प्लांटेशन कैपिटल कंपनी भी एक चर्चित नाम है, जो एक्वालेरिया के पेड़ की नस्लों को बचाने के लिए न सिर्फ इनके व्यापार में तेजी ला रही है जबकि मिडिल ईस्ट की हांगकांग जैसे तमाम देशों में प्लांटेशन के काम में हाथ भी बटा रही है। वेल दोस्तों, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इनकी ये मेहनत कितना रंग लाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल द मिस्टिकल एंड पर नए हैं तो नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।